इधर मंगेश, कसम तेरी है कुछ। अरे भाई भाई, ये क्या है यार? कौन है भाई? ये क्या चीज है यार? रुक 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 रुक, रुक। भाई दिखा, कैप्चर कर। भाई ये क्या चीज है यार? भाई भाई भाई, भाग भाग। दोस्तों अभी हल्की सी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ मुझे कुछ लगा जी, हल्की सी आवाज आई। ओ ये देख, कुछ है यार। ओ तेरी को कुछ तो देख। हाँ भाई, पता नहीं यार कौन सा, देखना होगा भाई। भाई ये खिड़की में कुछ है भाई। हाँ भाई, जैसे इसको छुआ ना भाई, इधर हल चल रही। भाई कुछ भी हो सकता है यार। अजीब सा घर है, समझ में आ रही है क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। भाई पंकज, हाँ भाई, पहले तो तू लोकेशन दिखा था आराम से हमको। लोकेशन तो बहुत ही खतरनाक है भाई। तो कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार, और भी सबको राम राम। तो फर्स्ट, जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है वो पहले तो फॉलो करो, क्योंकि हम एक से बढ़ के एक लोकेशन लाते हैं आपके साथ, आपके लिए रात में विजिट करते हैं भाई। तो मैं हूँ आपका भाई धर्मेंद्र, और एक वापस हम एक हॉन्टेड घर में आए हैं। और इस घर की काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई एक बार वहाँ भी जाओ, काफ़ी दिन हो गए। तो भाई आज यहाँ पे आया हूँ। नेक्स्ट विजिट हमारी रहेगी गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल, हाँ आप सही सुन रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी, गर्ल्स हॉस्टल का वीडियो आने वाला है। तो वेट करिए, गर्ल्स हॉस्टल में विजिट करने के लिए जा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। आप लोगों की कमेंट है काफ़ी आ रही है, काफ़ी भाई बहन चाहते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में जाऊँ, तो बहुत जल्दी आने वाला वीडियो। और इस घर की कहानी शॉर्टकट में बताता हूँ भाई, कि यहाँ पे ये घर बीच गांव में स्थित है, और अभी टाइम हुआ है 9, ज़्यादा रात के 1-2 बजे नहीं आए, 9 बजे आए। अब दोस्तों इस घर में क्या है, एक्चुअल में एक परिवार रहता था, और वो कहाँ रहता था? इस वाले घर में, है ना। अब यहाँ पे ना कुछ तो बोलते हैं बुढ़िया की आत्मा, और कुछ बोलते हैं एक लड़की की आत्मा, और कुछ बोलते हैं काला साया। तो ये नहीं पता स्पेशल कि भाई वो लड़की की आत्मा एक लड़की के साथ में कांड हो गया था। वो देखिए, ये स्टोरी में बता नहीं सकता क्योंकि अभी पब्लिक जग रही है, और उन्होंने ये सुना तो वापस देखो अच्छा नहीं लगता यार कुछ भी चीज़ें। तो ये समझिए आपके लिए इतना सही काफ़ी है भाई, इस जगह पे कोई भूत शक्ति या फिर कोई अब बोल सकते तो भाई बुरी आत्मा यहाँ पे कब्जा करके रहती है। होता कुछ नहीं है, बस कुछ लोगों को यहाँ पे बाहर के गली में मंडराती हुई दिखती। तो लोगों का यही कहना है कि भाई आज भी इस घर में ये जगह रहती है। तो बरसात के वजह से ये घर टूट गया है और ये धस गया है। तो थोड़ा सा हमें भी दोस्तों डर लग रहा है अंदर जाने में, कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हमारी कुछ गलती हो जाए। तो भाई यहाँ पे खड़े रहने से पहले तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, पंकज दिखा तो, क्या हुआ? कि मेरे को कुछ काट रहा है। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप वो जानवर तो नहीं है पिस्सू टाइप के? भाई हाँ नहीं, भाई, नहीं है, नहीं है नहीं है वो, भाई। वो तो मुझे ऐसा डर भरा गया है ना। हाँ भाई, तो दोस्तों यही चीज होती है यार, साला पता लोकेशन में जाते हैं। पंकज ये हाँ भाई, पत्थर गिर रहे हैं इसमें से, हाँ भाई, कभी भी धस सकता है भाई ये। चला भाई। हाँ भाई, संभल कर भाई। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, मैं यहाँ पे एक दो रूम है अगल बगल, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर घर है। तो हम फर्स्ट एक एक रूम विजिट करेंगे और देखते हैं क्या
चीज़ हमारे से कैप्चर होती है नहीं होती। आप जालू की हालत तक आके देख सकते हैं कि भाई जाले दिख रहे हैं आपको। हाँ भाई, पूरे इसमें से जाले हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम पुराना घर है। तो भाई पंखे चचो, अंधेरा हो रहा भाई। ठीक है, मुझे कुछ मिला है पंकज, कुछ मिला मुझे। क्या है भाई? भाई ये क्या था यार? देख तो जरा क्लियर करना, आवाज कहाँ से आई? पंकज क्या कर रहा है? क्लियर कर। ये गेट इधर मेन गेट का है। दोस्तों अभी हल्की सी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ लगा जी हल्की सी आवाज आई। और ये देख कुछ है यार, ओ तेरी को कुछ तो देख। हाँ भाई, यहाँ पे क्या है? ये क्या हो सकता है भाई यार? छोड़ इसको, इसमें क्या है भाई? ये लगे मत बोल, मत बोल, रिसेट कर। यहाँ पे एक मटके रखी है, दोस्तों एक मटके कुछ सामान पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हमारे काम के हैं। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें खुटिया बोलते हैं। ये पुराने टाइम में दोस्तों कपड़े टांगने के काम आती थी ये वाली। हाँ भाई, है ना? ये सामने वाले रूम में कुछ आवाज आई थी तरह, तो ये देखो चिमनिया। हाँ भाई, भाई इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितने साल पुराना है भाई। दोस्तों ये देखिए आप, और कितने साल पुराना है ये, मतलब लाइट नहीं होती तो उस टाइम ये जलाते थे लोग। हाँ भाई, तो काफी पुराने घर में है आज हम, और डर भी है भाई धसने का। ये क्या भाई, ये कहाँ का होगा? पेट्रोल का रखा है। भाई ये कहाँ का है? पता नहीं यार, कौन सा देखाना होगा भाई। भाई ये खिड़की में कुछ है भाई। हाँ भाई, जैसे इसको छुआ ना भाई, इधर हल चल रही। भाई कुछ भी हो सकता है यार। भाई 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 पंकज, पंकज। हाँ भाई, एक्टिविटी हो रही है। कौन है? क्या है भाई? बहुत ही खतरनाक है यार ये तो। भाई की तेजी से मत चल, ध्यान से भाई। यहाँ पे हमारे लोग कोई नहीं है, फिर फोकट में मर जाएंगे। आप संभल के यार भाई, कुछ भी हो सकता है। भाई मैं कैसे निकलूँ यार इसमें से? अजीब अजीब सा घर है, अजीब सा घर है। तो समझ में आ रही है चीज क्या है? भाई, भाई। रिकॉर्ड किया था मैं? हाँ यार भाई, ये कहाँ से आया यार? ये रखा ही नहीं था दोस्त, पर ही गिरा है। कोई सुराग नहीं मिल रहा दोस्तों ऐसा जो हमें कुछ महसूस कराए। भैया जा ऊपर चलते हैं। पंकज ज़्यादा देर से मुझे भरेगा।
तेरे पास मोबाइल है? हाँ भाई। दो क्या? हाँ तेरे ना फ्लैश चालू कर यार। दे इधर। अच्छा 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 डिस्टेंस बना के चलना है। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है। कुछ एक्टिविटियां हो रही है नीचे की। आज हम है क्या, कुछ दिख रहा है? कोई है क्या वहां पे? देख तो भाई, कुछ नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी भगवान की आरती आ रही है तो कानों में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब डर के मारे तो हमारी ना हालत खराब हो रही है। यहाँ पे आप ये हालत देख सकते हैं। भगवान का भजन चल रहा है और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ दोस्तों, सच बता रहा हूँ भाई। एक्टिविटी ध्यान मत दे तू भाई। वो क्या यार? क्या क्या हुआ भाई? कुछ चीज क्रॉस हुई भाई वहां से यार। कहाँ से भाई? नीचे से। कैमरा मत हिला, रख रख कैमरा रख, देखते हैं भाई। कैमरे में पता नहीं आया नहीं आया, पर मैंने देखा यार भाई, कुछ भी था वहां पे, कुछ था यार वहां पे, सच्ची बता देख रहा हूँ रहे क्या भाई। कुछ? भाई मैंने अभी अपनी आंखों से देखा भाई, कुछ था वहां पे। कम रूम में आवाज आ रही है। हैं? हाँ यार भाई, भाई इस पता साइड नहीं, आ, पर कैमरे में आया, इस पर साइड मैंने आ, अपनी आंखों से देखा भाई, कुछ था यार वहां पे। इस साइड आ तो। जय बजरंगबली महाराज, मंदिर से में आरती की आवाज आ रही है भाई। हाँ भाई, मुझे लगता किसी ने राम चर... दोस्तों इधर दिखाओ दोस्तों, ये जो मंदिर से आप आवाज सुन रहे हो, यहाँ पे एक दूर राम मंदिर है। राम मंदिर में रामचरित्र मानस का पाठ होता है। मैंने बोला था ना आपको, 9:30-9 बजे के समथिंग हम यहाँ पे हैं, आप सुन सकते हैं आवाज आ रही है। तो जय श्री राम लिखना कमेंट भैया। राम भगवान, आज भगवान का वो सुन रहे हैं रामचरित्र मानस की चौपाई, तो बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ लोकेशन पे है दोस्तों। लोकेशन पे जाकर मैं पूरी लोकेशन की मेरे में शब्दों से बातें करूँ तो दोस्तों, इसकी जो हालत देख रहे हो ना, यहाँ पे शायद किचन था जिसका भी था यहाँ, हाँ भाई है ना। यहाँ पे चूल्हा था दोस्तों, यहाँ पे किचन था बराबर दोस्तों। और इसकी जो कंडीशन देख देख के मुझे अंदाजा लग रहा है कि भाई जो भी घटना हुई थी उस टाइम इस लड़की के साथ, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पे क्या है। लेकिन ये खुद मकान ही एक अपने आप में गवाह है कि भाई उस टाइम उस दिन क्या हुआ था, ये तो वही जाने भाई। तो उसके अलावा हम तो कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में। तो भाई दिखा दो यार, इसके नीचे कुछ लगता है क्या तेरे को? पंकज है भाई, लग तो ऐसे ही रहा है, इसके ना, अंदर कुछ दबा हुआ इस है वाले भाई। रूम में देखते हैं। अबे ऊपर क्या? कुछ नहीं, कुछ धस रहा है क्योंकि भाई बहुत साल पुराना ये है ये। देखिए ये क्या लगे भाई, तुम्बे है ना खाने की? हाँ अरे भाई, खाने की ये। बाप रे, रुक भाई। दोस्तों अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, मतलब कि एक्टिविटी बहुत हो रही है, लेकिन ये देखिए आप खाने पीने की चीजें ऐसी लटकी है कि वो भी इस टाइम हॉरर दिख रही है हमको। तो फिलहाल के लिए दोस्तों है यहाँ पे कुछ शक्ति तो है, एहसास हो रहा है, हमें एहसास करवा रही है। लेकिन हो सकता है आरती का टाइम चल रहा है और भगवान का पाठ चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि अब वो चीज कम हो गई ना भाई। हाँ भाई, नीचे रूम में ऐसा जरूर इतनी आवाज आई एक्टिविटी थी। कुछ नहीं हो रहा ना। ये बात सही बोला तूने, ये भी हमारी किस्मत है भाई। फिर भी डर लग रहा है, इस मकान में धंसने का ज्यादा डर लग रहा है। हाँ भाई, कभी भी गिर इधर सकता आ है जाओ, भाई ये। मिसाइल ला पंकज। भाई एक्टिविटी तो हो रही है यार। भाई छोड़ना उसको, ध्यान मत दे, काम कर कर अपना। आवाज सुन क्या आ रही है आवाज? आगे चल।
उधर देखना, सुन रहा आवाज भाई? किसी के रोने की आवाज आ रही ना। हाँ भाई, क्या मेरे को कुछ लग रहा है इधर भाई? इधर देख तो, इधर आके देखा कुछ है इधर? मंगल छे कसम तेरी है कुछ। अरे भाई भाई, ये क्या है यार? कौन है भाई? ये क्या चीज है यार? रुक 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 भाई, ये देखा कैप्चर कर। ओए भाई, ये क्या चीज है यार? भाई भाई भाई, भाग उधर, चल पीछे कर, पीछे कर कैमरा। भाई क्या था यार ये? यार पंकज, समझ में नहीं आ रहा भाई जो भी है, लेकिन भाई इतना चीजें मतलब देख के मेरी रूह काफी है भाई। क्या था यार ये पंकज? बाप रे, अरे तेरी की भाई, अरे तेरी बाप रे भाई, ये क्या है यार? कौन है? बिल्कुल काला साया है भाई ये भाई, यहाँ से निकलना है यार भाई। भाई दिख रहा है क्या भाई? भाई निकलते यार भाई, भाई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दे यार। कसम से दोस्तों, जस्ट अभी मैंने इसको इस रूम में कांच पंकज, ये कहां से आया भाई कांच? दोस्तों देखने बाद बोलूंगा, सोबत की बात है, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना, क्योंकि मुझे भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है पंकज, क्या मुझे ना वो केले घुस गए। कौन से? हाँ भाई वो है ना, ये तो नहीं है भाई, ये कीड़े जो निकलो, वीडियो बंद करो। ठीक है भाई, निकलते हैं यार यहां से। बात देखेंगे कि उधर में इनको साथ लाएंगे, तब देखते हैं इसको। ठीक है भाई, आ जा। आ जा। आ जा भाई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आ गया। हाँ भाई, चले। दोस्तों वीडियो का खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल भैया।